नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको देवभूमि उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी देने वाली हूँ। जैसे चार धाम की यात्रा कब से कब तक रहती है, आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा, इस यात्रा को पूरा करने के लिए आपको कहाँ स्टे करना चाहिए, इस यात्रा का रूट क्या रहेगा, यात्रा में आपको कौन कौन सी चीज़ें कैरी करनी चाहिए, यात्रा के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये यात्रा आपको कहाँ से शुरू करनी है, कौन सा धाम पहले करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, रहने और खाने की व्यवस्था क्या होगी, इस यात्रा के दौरान बीच में पड़ने वाले सभी रास्ते के साइट सीन के बारे में, मतलब इस पूरी यात्रा में आप और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, आपका कितना समय लगेगा, कितना खर्च लगेगा, आपके साथ कौन गाइड करेगा, कितने किलोमीटर की ट्रैकिंग होगी और भी बहुत कुछ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपके साथ कोई बड़े बुजुर्ग हैं और वो पैदल चलने में असमर्थ हैं तो घोड़े, खच्चर, डोली, पिट्ठू या फिर हेलीकॉप्टर की क्या फैसिलिटी होगी, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो बिना देर किए गंगे मैया और महादेव का नाम लेकर वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर ए टू जेड इन्फॉर्मर पर। दोस्तों, चार धाम की यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ, जिसे आपको चार धाम यात्रा पर जाने से पहले ज़रूर जान लेना चाहिए। दोस्तों, भारत में कुल दो तरह की चार धाम यात्रा होती है। पहली चार धाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम होते हैं। ये सभी धाम देवभूमि उत्तराखंड में ही प्लेस्ड हैं, जिसे छोटी चार धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें यमुनोत्री धाम माता यमुना को समर्पित है और गंगोत्री धाम माता गंगा को, केदारनाथ धाम महादेव को समर्पित है, जबकि बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। और बात करूँ दूसरे चार धाम यात्रा की, तो इसमें बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम धाम शामिल है और ये सभी धाम भारत के चार अलग अलग दिशाओं में स्थापित हैं। इनमें से तीन धाम, बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी और द्वारका, भगवान विष्णु को समर्पित हैं। वहीं रामेश्वरम धाम भगवान शंकर को समर्पित ज्योतिर्लिंग है। इसे भारत के वास्तविक प्रमुख चार धाम यात्रा के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको भारत की छोटी चार धाम यात्रा के बारे में बताने वाली हूँ और अगर आपको भारत के वास्तविक प्रमुख चार धाम यात्रा के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, जिससे अगली वीडियो मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी बना सकूँ। तो अब बात करते हैं छोटी चार धाम यात्रा के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि श्री चार धाम यात्रा कब से शुरू होती है और कब तक चलती है। चार धाम की यात्रा साल के 6 महीने तक ही होती है, मतलब ये यात्रा अप्रैल या मई में स्टार्ट होकर अक्टूबर या नवंबर तक चलती है। बाकी टाइम में यहाँ का मौसम खराब होने की वजह से श्री चार धाम की यात्रा रोक दी जाती है। बात करूँ कि ये यात्रा किस दिन से शुरू होती है, तो हर साल की अक्षय तृतीया के दिन से ही श्री चार धाम की यात्रा शुरू कर दी जाती है। सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोल दिए जाते हैं, फिर अगले दिन केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, उसके बाद एक दिन के बाद ही बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खोल दिए जाते हैं। इसके बाद ये यात्रा कुल 6 महीनों तक चलती है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार ये यात्रा कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि बेस्ट टाइम क्या रहता है इस यात्रा को पूरा करने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब से ये यात्रा शुरू होती है, यानी मई, जून या फिर अक्टूबर, नवम्बर में ही श्री चार धाम की यात्रा शुरू करें, क्योंकि बाकी टाइम में बारिश की वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार ये यात्रा शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं श्री चार धाम यात्रा में आपका कुल कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, बेसिकली आपको बताना चाहूँगी कि ये जो चार धाम की यात्रा शुरू होती है वो होती है हरिद्वार या ऋषिकेश से, और वापस हरिद्वार या ऋषिकेश पर ही आपकी ये यात्रा पूरी होगी। तो चार धाम की ये योजना बनती है कुल 9 रात और 10 दिन की, यानी कि 10 दिनों में आप अपनी चार धाम की यात्रा कंप्लीट कर लेंगे। यात्रा शुरू करने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना आप ये यात्रा नहीं कर पाएंगे। आप नीचे दी गई वेबसाइट पर जाकर यात्रा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बेसिक डिटेल्स, आधार कार्ड, फोटो और यात्रा का डेट सबमिट करना होता है, और पूरी यात्रा के दौरान आप रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट और
आधार कार्ड अपने साथ ही रखिए। रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं और वहां से भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आप श्री चार धाम की यात्रा किन किन तरीकों से पूरी कर सकते हो। तो बेसिकली ये यात्रा आप तीन तरीकों से पूरी कर सकते हो, जिसमें पहला तरीका है पैकेज के थ्रू, जिसमें सब कुछ पैकेज की ही तरफ से फैसिलिटी मिलती है। दूसरा है सेल्फ आइटिनरी, मतलब इसमें यात्रा के दौरान आप सब कुछ खुद ही मैनेज करेंगे, जैसे यात्रा के दौरान की जाने वाली ट्रैवलिंग, रहना, खाना, सब कुछ। और तीसरा तरीका है हेलीकॉप्टर के थ्रू। जी हाँ, हेलीकॉप्टर के थ्रू भी आप चार धाम की यात्रा को पूरा कर सकते हैं, अगर आपका बजट अच्छा है तो। दोस्तों, मैं आपको तीनों ही तरीकों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दूंगी, जिससे आप बिना किसी कन्फ्यूजन के अपनी यात्रा पूरी कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ आइटिनरी की। आप जिस किसी भी शहर में रहते हो, वहाँ से आपको सबसे पहले जाना होगा हरिद्वार या ऋषिकेश। जी हाँ, हरिद्वार या ऋषिकेश दोनों ही जगहों से आप श्री चार धाम की यात्रा शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हरिद्वार में हमारे देश की बहुत सारी प्रमुख ट्रेनें वहाँ पर जाती हैं, अर्थात हरिद्वार भारत के सभी बड़े शहरों से बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। तो हरिद्वार आप सुबह ही पहुँच जाएँ, ताकि आपके पास पूरा दिन रहे अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। हरिद्वार पहुँचने के बाद सबसे पहले हर की पौड़ी में स्नान करें और अपनी यात्रा की शुरुआत करें। सबसे पहले यमुनोत्री धाम जाने के लिए आपको बरकोट तक जाना होगा। उसके लिए आपको हरिद्वार बस स्टैंड के बाहर ही बरकोट तक के लिए बस और टैक्सी मिल जाती है। आपको बता दूं कि आप यहां पर अपने ग्रुप के अनुसार गाड़ी भी हायर करके जा सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं डे वन की। मैं आपको सारी प्लानिंग डे वाइज ही बताती जाऊँगी, जिससे आपको सभी चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो दोस्तों, डे वन की शुरुआत में आपको जाना होगा हरिद्वार से बरकोट के लिए। हरिद्वार से बरकोट की दूरी 180 किलोमीटर की है, जिसे आप 350 से 400 रुपए पे करके 6 से 7 घंटे में पूरा कर लेंगे। जब आप हरिद्वार से बरकोट के लिए जा रहे होंगे, तो रास्ते में आपको उत्तराखंड के फेमस साइट्स इन मसूरी और एम्प्टी फॉल भी मिलेंगे, जहां पर आप चाहें तो अपना कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो डे वन केवल बरकोट पहुँचने में ही लग जाएगा और इस रात आपको बरकोट में ही स्टे करना होगा। अब बात आती है कि स्टे कहाँ करें, यहाँ क्या फैसिलिटी होगी और खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स और धर्मशालाओं के ऑप्शंस मिल जाएंगे, डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है और आप कैसी जगह पर स्टे करना चाहते हो। और अगर यहाँ रेट की बात करो, तो मानकर चलिए कि 1.5 से 2 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से आपको रूम अवेलेबल हो जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर सभी होटल्स के रेट इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि श्री चार धाम की यात्रा लगभग 6 महीने के लिए होती है, बाकी टाइम के लिए ये सभी यात्राएं रोक दी जाती हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी व्यापार होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। बरकोट के अलावा आप खरादी में भी स्टे ले सकते हैं, जो बरकोट के आसपास ही लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। ये एरिया अभी डेवलप हो रहा है, यहाँ पर आप मेन रोड पर रूम ना लेकर थोड़ा अंदर की तरफ रूम लेंगे तो आपको 500 से 600 रुपये में भी रूम मिल जाएगा। तो आप अपने बजट और सुविधानुसार स्टे ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की। आपको इन सभी जगहों पर होटल के अंदर ही खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी, या फिर आप चाहें तो भोजनालय या रेस्टोरेंट में भी अपना डिनर कर सकते हैं। डिनर के बाद आप अपने रूम में आराम करें। उसके बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग यानी कि डे टू की शुरुआत में आपको जानकी चट्टी के लिए जाना होगा। दोस्तों, जानकी चट्टी वह जगह है जहाँ से आपको पैदल यात्रा शुरू करनी होगी हमारी यमुना माता यानी कि यमुनोत्री धाम के लिए। बरकोट से जानकी चट्टी तक आपको वही गाड़ी लेकर जाएगी जिस गाड़ी को आपने पहले हायर किया था हरिद्वार में। और अगर आपने कोई गाड़ी हायर नहीं की है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी जानकी चट्टी तक जा सकते हो। जानकी चट्टी जाने के लिए आपको शेयर टैक्सी या फिर बस भी मिल जाएगा, जिसकी प्राइसिंग है करीब 150 रुपये तक। बरकोट से जानकी चट्टी की दूरी लगभग 45 किलोमीटर की है, जहाँ आप हार्डली 2 से 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। और अगर आपने खरादी में स्टे लिया है, तो खरादी से जानकी चट्टी की दूरी लगभग 33 किलोमीटर की है, जहां आप लगभग 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब जानकी चट्टी से आपकी पदयात्रा शुरू होती है यमुनोत्री धाम के लिए। दोस्तों, ये यमुनोत्री के लिए पदयात्रा होती है, वह है लगभग 5 किलोमीटर की। 5 किलोमीटर की यात्रा करने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। आप चाहें तो घोड़े, पालकी, पिट्ठू भी ले सकते हैं। घोड़े आपको लगभग 2,500 और पिट्ठू और पालकी लगभग 8,000 तक मिल जाएंगे। इस तरीके से आप यमुनोत्री धाम तक पहुँच जाएंगे। यहाँ यमुना माता के दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामनाएं मांगिए। आपको बता दूं कि यमुना नदी का उद्गम इसी स्थान से होता है।
तो आप यहाँ पर अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करिए और अच्छे तरीके से यमुनोत्री धाम को एक्सप्लोर करिए और फिर वापस ट्रैकिंग करके आ जाइए जानकी चट्टी, और फिर जानकी चट्टी से अपनी गाड़ी के थ्रू चले जाना है अपने रूम पर, यानी कि बरकोट या खरादी, जहाँ भी आपने स्टे लिया है। तो डे टू की रात आपको यहीं पर होटल में स्टे करना होगा। बात करते हैं नेक्स्ट डे यानी कि डे थ्री की, तो तीसरे दिन की शुरुआत में आपको जाना होगा उत्तरकाशी के लिए, जिसकी दूरी लगभग 80 किलोमीटर की है, जिसे आप 3 से 4 घंटे की ट्रैवलिंग करके पूरा कर लेंगे। उत्तरकाशी को शिव की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरकाशी के लिए जाते समय रास्ते में ही आपको कुछ फेमस साइट सीन मिलेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस शिव गुफा मंदिर और उत्तरकाशी का काशी विश्वनाथ मंदिर है। तो आप यहाँ पर विजिट करते हुए आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। इस दिन आपको उत्तरकाशी में ही स्टे करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो यहाँ पर भी आप अपने बजट और सुविधा अनुसार रूम ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 4 के मॉर्निंग में आप उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम के लिए जाएंगे, जो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर प्लेस्ड है, जहाँ आप 3 से 3.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शेयर टैक्सी मिल जाएगी, आप चाहें तो कैब के थ्रू भी जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि गंगोत्री धाम तक पहुंचने के लिए आपको किसी भी प्रकार की ट्रैकिंग नहीं करनी होगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि श्री चार धाम यात्रा में केवल 2 ही धाम में ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, जो है यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम, और बाकी के 2 धाम तक आपको गाड़ी पहुँचा देगी, जो है गंगोत्री धाम और बद्रीनाथ धाम। डे 4 में आप गंगोत्री धाम पहुँच कर गंगा माता के दर्शन करने से पहले यहाँ गंगा जी में डुबकी लगा कर माता के दर्शन को पूरा करके माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और हाँ, वहाँ से अपने घर के लिए गंगा जल ले जाना बिल्कुल ना भूलें। अब गंगोत्री धाम से वापस जाना है उत्तरकाशी के लिए, तो गंगोत्री से आते समय रास्ते में ही आपको फेमस हर्षिल वैली भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। आप यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो साइट सीन को एक्सप्लोर करते हुए आप उत्तरकाशी तक पहुँच जाएंगे। उत्तरकाशी में ही डे 4 की एंडिंग करेंगे। उसके बाद डे 5 की शुरुआत में आपको जाना है उत्तरकाशी से सोनप्रयाग या फिर गुप्तकाशी के लिए। ये जो 2 नाम मैंने लिए हैं, यह वही स्थान है जहां से आपको अगले धाम के लिए यानी कि देवों के देव महादेव के धाम केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू करनी है। दोस्तों, सोनप्रयाग या गुप्तकाशी आप गाड़ी के थ्रू पहुँच जाएंगे। उत्तरकाशी से सोनप्रयाग 227 किलोमीटर की दूरी पर प्लेस्ड है, जिसे आप 8 से 8.5 घंटे में पूरा कर लेंगे। तो आप इन दोनों जगहों में से किसी भी जगह रूम देखकर अपना स्टे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सोनप्रयाग से 20 किलोमीटर पहले फाटा में ही स्टे करें। यहाँ पर आपको अच्छे और साफ़ सुथरे होटल्स भी मिल जाएंगे, जबकि सोनप्रयाग में हो सकता है आपको साफ़ सुथरे रूम्स ना मिले, आपके रूम में गर्म पानी की भी व्यवस्था ना मिले। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको सभी ऑप्शंस दे दिए हैं, तो आप इनमें से कहीं पर भी अपना स्टे बना सकते हैं। रात में आपको यहीं पर स्टे करना है। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 6 में आपको भोलेनाथ की यात्रा शुरू करनी है, जिसमें अगर आपने फाटा में रूम लिया है तो आपको वहां से जाना होगा सोनप्रयाग, और फिर सोनप्रयाग से जाना होगा गौरीकुंड के लिए, जो कि लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर प्लेस्ड है, जिसे आप 18 से 20 मिनट में पूरा कर लेंगे। गौरीकुंड आप बोलेरो जैसे किसी भी गाड़ी का साधन लेकर जा सकते हैं, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से ही चलवाया जाता है। 40 से 50 रुपये पर हेड के हिसाब से पे करके आप गौरीकुंड तक पहुंच जाएंगे। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपको 16 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करनी होगी केदारनाथ धाम के लिए। ये चढ़ाई सबसे कठिन चढ़ाई होती है। इस यात्रा के दौरान आप चाहें तो घोड़े, खच्चर, डोली या फिर हेलीकॉप्टर का यूज़ करके भी केदारनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगी। तो दोस्तों, 6वें दिन आप महादेव का नाम लेकर ट्रैकिंग शुरू करें। ट्रैकिंग के दौरान आराम से महादेव का जयकारा लगाते हुए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप केदारनाथ मंदिर के परिसर तक पहुंच जाएंगे। यहां तक पहुंचने में आपको शाम हो जाएगी। शाम को महादेव की आरती अटेंड करें और उनके सुंदर दर्शन करें। उसके बाद उस रात आपको केदारनाथ में ही स्टे करना है। आपको बता दूं कि केदारनाथ में स्टे करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वहाँ पर हमें होटल कैसे मिलेगा, हमें टेंट या हाउस हट मिलेगा या नहीं, जो गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से चलाया जाता है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। केदारनाथ में आपको डोरमेट्री और होटल्स की सुविधाएं भी मिल जाती हैं, जहाँ पर आप अपना स्टे बना सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले ही फेस कैंप में भी रुक सकते हैं, जो कि लगभग 500 रुपये में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टेंट सर्विस की भी सुविधा मिल जाएगी, जो कि GMVN यानी गढ़वाल मंडल द्वारा चलाया जाता है।
आपको बता दूं कि GMVN उत्तराखंड टूरिज्म का एक गवर्नमेंट पोर्टल है जिसमें उनके द्वारा ही सारी व्यवस्था की जाती है। तो आप चाहें तो GMVN की तरफ से भी वहां पर अपनी ऑनलाइन बुकिंग करके अपना स्टे बना सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वहां से भी अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो डे 6 की रात में हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए अपने आप को शिवमय होने दीजिए। यहां आकर आपको बहुत ही शांति और सुकून महसूस होगा। फिर रात में यहां आराम करने के बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 7 की सुबह सुबह ही वापस महादेव के दर्शन करें और आरती अटेंड करने के बाद अपनी ट्रैकिंग वापस शुरू कर दीजिए गौरीकुंड के लिए। फिर गौरीकुंड से सोनप्रयाग आप गाड़ी के थ्रू जाएंगे। इसके बाद आप सोनप्रयाग से फाटा तक पहुंचकर अपने रूम में आराम करें। आप चाहें तो सोनप्रयाग में भी रुक सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि 8वें दिन आपको फाटा से डायरेक्ट निकलना है बद्रीनाथ के लिए, जो लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर प्लेस्ड है, जिसे आप 8 से 9 घंटे की यात्रा करके पूरा कर लेंगे। सोनप्रयाग या फाटा से निकलने से पहले आप सुबह सुबह ही अपना रूम छोड़ दीजिए ताकि आप जल्दी से जल्दी बद्रीनाथ तक पहुँच जाएँ। जब आप बद्रीनाथ के लिए जा रहे होंगे तो रास्ते में आपको फेमस साइट सीन चौपटा भी दिखता है, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी अपना थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप बद्रीनाथ तक पहुँच जाएंगे। बद्रीनाथ में आपको रुकने की बहुत सारी व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ पर आपको GMVN की तरफ से डोरमेट्री सुविधा भी प्रोवाइड कराई जाएगी। आप चाहें तो यात्री निवास में भी स्टे कर सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पर धर्मशाला या होटल में भी रुक सकते हैं। इन सभी ऑप्शंस में से आप कहीं भी अपने बजट और सुविधा अनुसार स्टे कर सकते हैं। बद्रीनाथ में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ेगी। बद्रीनाथ में आप बद्री विशाल यानी कि भगवान विष्णु के अवतार श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करिए, माथा टेकिए और अपनी मनोकामनाएं मांगिए। बद्रीनाथ जी के सुंदर दर्शन करने के बाद रात में बद्रीनाथ में ही स्टे करें। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि 9वें दिन आप चाहें तो वापस हरिद्वार होते हुए अपने घर के लिए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक और दिन बद्रीनाथ के लोकल दर्शनीय स्थल जैसे माना गांव, जिसे भारत का प्रथम गांव कहा जाता है, भीमपुल, गणेश गुफा, सुधारा वाटरफॉल जैसे और भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं जहां आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। दोस्तों, बद्रीनाथ से जुड़ी सभी छोटी बड़ी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, क्योंकि बद्रीनाथ धाम की एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से भी बद्रीनाथ की सारी जानकारी ले सकते हैं। बद्रीनाथ में साइट सीन के बाद आपको जाना है हरिद्वार के लिए, पर दोस्तों सीधा वापस हरिद्वार जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा पड़ सकता है। तो आप रास्ते में रुद्रप्रयाग या फिर श्रीनगर में भी स्टे ले सकते हैं। आपको बता दूं कि बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग की दूरी 154 किलोमीटर की है, जबकि बद्रीनाथ से श्रीनगर 186 किलोमीटर की दूरी पर प्लेस्ड है। आप इनमें से कहीं भी स्टे ले सकते हैं। जब आप श्रीनगर से हरिद्वार के लिए जा रहे होंगे तो रास्ते में आपको पंचप्रयाग का संगम भी देखने को मिल जाएगा। पंचप्रयाग में हमारे नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग शामिल हैं, और इन पंचप्रयागों का संगम देखते हुए आप शाम तक हरिद्वार पहुँच जाएंगे। इसके बाद हरिद्वार से आप अपने घर के लिए जा सकते हो। इस तरीके से आपकी ये चार धाम की यात्रा कुल 10 दिनों में पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं चार धाम की यात्रा को पूरा करने के लिए दूसरे तरीके के बारे में, यानी कि पैकेज के थ्रू। तो अगर आप पैकेज के थ्रू चार धाम की यात्रा पूरी करते हैं तो ये बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी हो जाती है 9 रात और 10 दिनों के लिए, क्योंकि आप हिल्स पर होते हैं और आपको यहाँ का कोई भी आइडिया नहीं होता है। पैकेज के थ्रू भी आपकी चार धाम की यात्रा का रूट सेम ही रहेगा, मतलब पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री और फिर केदारनाथ धाम होते हुए बद्रीनाथ धाम। इस पैकेज में पूरी यात्रा की ट्रेवलिंग, होटल अकोमोडेशन यानी हर धाम में आपको कहां कहां स्टे करना है उसके लिए रूम प्रोवाइड कराएंगे, ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड रहता है क्योंकि लंच के टाइम में मोस्टली आप बाहर ही रहते हो। इस यात्रा के दौरान पूरे रास्ते के लिए आपको गाइड भी प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपको हर जगह के लिए गाइड करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ट्रस्टेड वेबसाइट से ही ये पैकेज लें, क्योंकि बहुत सारे फेक वेबसाइट भी रहती हैं। और अब बात कर लेते हैं लास्ट ऑप्शन यानी कि हेलीकॉप्टर के थ्रू की, तो इसमें आपका पूरा रूट चेंज हो जाता है। हालांकि दर्शन करने की प्रक्रिया सेम ही होती है, मतलब एक ही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, उसके बाद बाबा के धाम केदारनाथ धाम और लास्ट में बद्रीनाथ धाम। तो चलिए जान लेते हैं कि हेलीकॉप्टर का रूट क्या रहेगा। इस यात्रा में देहरादून आपकी शुरुआती और एंड पॉइंट रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अकेले केदारनाथ धाम के लिए तो हेलीकॉप्टर उड़ता है, वो तो देहरादून से नहीं जाता,
तो टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में भी आगे जिक्र करूंगी। हेलीकॉप्टर के थ्रू चार धाम की यात्रा कंप्लीट करने में आपका कुल 5 रात और 6 दिन का समय लग जाएगा। इस पैकेज में आपको रहना, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, पालकी, खच्चर, ये सब इंक्लूड रहेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जान लेते हैं कि इसका रूट क्या रहेगा। तो पहले दिन आपको पहुंचना है देहरादून रेलवे स्टेशन या फिर देहरादून एयरपोर्ट। आप जहां भी उतरेंगे वहां से ट्रेवल एजेंट की कार आपको देहरादून के होटल में लाकर छोड़ देगी। फिर वहीं पर आप खाना पीना करके सो जाइए। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद देहरादून के सहस्रधारा हेलीपैड पर आपको ले जाएंगे। वहां से सुबह 6 बजे हेलीकॉप्टर उड़ता है जो आपको करीब 45 मिनट बाद यानी कि 6:45 के आसपास पहुंचा देगा खरसाली। दोस्तों, खरसाली वो जगह है जहां पर 3 हेलीपैड बने हैं, जहां से यमुनोत्री मंदिर 6 किलोमीटर की दूरी पर प्लेस्ड है। क्योंकि वहां पर कोई हेलीपैड नहीं है, इसलिए यमुनोत्री के लिए यहीं पर उतरना होता है। खरसाली के हेलीपैड से ही आपको पालकी या घोड़ा खच्चर वगैरह मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी रुपया पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, यह सब पैकेज में ही इंक्लूड रहता है। यमुनोत्री धाम में दर्शन करके आप खरसाली तक समय से पहुंच जाएं, इसके लिए आपको वीआईपी पास भी दिया जाता है जिससे आप जल्दी से जल्दी दर्शन पूरा कर सकें। तो दोपहर 1 बजे से पहले आपको दर्शन करके वापस जाना है खरसाली। यहाँ पर आपको होटल प्रोवाइड कराई जाएगी और रात में वहीं पर आपको स्टे करना है। उसके बाद नेक्स्ट डे नाश्ता करके खरसाली हेलीपैड पर जाएंगे। वहाँ से सुबह 6:30 बजे हेलीकॉप्टर उड़ेगा जो आधे घंटे में यानी कि 7 बजे आपको हरसिल पहुंचा देगा। ये गंगोत्री धाम का हेली बेस है। आपको बता दूं कि हरसिल से गंगोत्री धाम की दूरी कुल 25 किलोमीटर की है। तो हरसिल से टूर ऑपरेटर की गाड़ी आपको लेकर जाएगी। वहां मंदिर पहुंचने और वापस हरसिल पहुंचने के लिए आपको कुल 3.5 घंटे का समय दिया जाएगा। गंगोत्री धाम पहुंचकर गंगा जी में स्नान करके वहां के आसपास दर्शनीय स्थल जैसे सूर्यकुंड, गौरीकुंड और पांडव गुफा तक भी आप जरूर होकर आना। गंगोत्री कंप्लीट करने के बाद आप वापस हरसिल आ जाएंगे। यहीं पर आपको रात में स्टे करना होगा। फिर चौथे दिन ब्रेकफास्ट के बाद आपको लेकर जाएंगे हरसिल हेलीपैड तक। यहां से सुबह 7 बजे हेलीकॉप्टर उड़ेगा सिरसी, फाटा या फिर गुप्त काशी के लिए, क्योंकि डायरेक्ट केदारनाथ के लिए कोई भी सीधी उड़ान नहीं है। तो आपके एजेंट ने इन तीनों में से जिस भी जगह के लिए पैकेज बुक किया होगा उसी हेलीपैड पर करीब 7:30 बजे तक आपको पहुंचा देगी। वहां से फिर हेलीकॉप्टर चेंज करके फिर दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर अलग से चलते हैं। तो हेलीकॉप्टर चेंज करने के बाद 7 से 10 मिनट में आप केदारनाथ हेलीपैड पर पहुँच जाएंगे, जहाँ से मंदिर करीब 0.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हेलीपैड से केदारनाथ मंदिर में दर्शन करके वापस हेलीपैड तक जाने का समय 2 घंटे का रखा गया है। तो मंदिर में दर्शन करके वापस 2 घंटे के अंदर ही हेलीपैड तक पहुंचना होगा। आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर इसलिए बदलना पड़ता है क्योंकि केदारनाथ के लिए अलग से काफ़ी सारी हेली सर्विस चलती है, उन पर कोई फर्क ना पड़े इसलिए यहां पर हेलीकॉप्टर चेंज करना होता है। तो दर्शन पूरा करके हेलीपैड तक जाएँ, उसके बाद हेलीकॉप्टर के ही थ्रू आप गुप्त काशी, सिरसी या फिर फाटा तक पहुँच जाएंगे। यहीं पर रात में आपको रूम अवेलेबल कराई जाएगी, यहीं पर आपको स्टे करना है। उसके बाद 5वें दिन सुबह 8 बजे हेलीकॉप्टर उड़ेगा जो आपको 8:30 बजे तक बद्रीनाथ धाम पहुंचा देगा। यहां से मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर की पड़ेगी। क्योंकि रात का स्टे बद्रीनाथ में ही होगा तो यहां पर समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। यहां पर दर्शन करें, आसपास की जगह को भी एक्सप्लोर करें और फिर हो सके शाम की आरती भी अटेंड करें। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि अगर आप कोई और पैकेज लेते हैं जिसमें बद्रीनाथ में नाइट में स्टे नहीं दिया जाता है, बद्रीनाथ में दर्शन के लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है। उसके बाद आखिरी दिन यानी कि 6वें दिन सुबह 8:30 बजे बद्रीनाथ हेलीपैड से हेलीकॉप्टर उड़ेगा जो 9:30 बजे तक आपको देहरादून के सहस्रधारा हेलीपैड तक पहुंचा देगा। इस तरीके से आपके हेलीकॉप्टर के थ्रू चार धाम की यात्रा कंप्लीट कराई जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन और देना चाहूँगी कि आप अपनी गाड़ी के थ्रू भी चार धाम की यात्रा पूरी कर सकते हो। बस आपको एक एक्सपीरियंस ड्राइवर चाहिए होगा जो पहाड़ों में ड्राइव करना अच्छे से जानता हो। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट होगा इस यात्रा को पूरा करने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले तो आपका कम से कम 4 लोगों का ग्रुप होना चाहिए जिससे आप कम खर्च में कम्फर्टेबली यात्रा पूरी कर पाएंगे। और दूसरी बात कि आपके लिए बेस्ट तरीका पैकेज के थ्रू ही रहेगा, क्योंकि इसके थ्रू आपकी यात्रा बहुत ही सरलता से पूरी हो जाएगी। अगर आप पहली बार ये यात्रा कर रहे हैं
या फिर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपके लिए पैकेज के थ्रू ही जाना बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको वहाँ पर कुछ भी आइडिया नहीं होता है, जिससे कि यहाँ की परेशानी बढ़ सकती है। साथ ही साथ अगर आप इस यात्रा के दौरान कोई भी साइट सीन मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी यात्रा पैकेज के थ्रू ही करें, क्योंकि अगर आप पब्लिक कन्वेंस का यूज़ करते हैं तो ये सारे साइट सीन आप मिस कर जाएंगे, क्योंकि सारी गाड़ियाँ अपने स्टैंड पर ही रुकती हैं। अगर हाँ आप दूसरी या तीसरी बार इस यात्रा पर जा रहे हैं तो आप सेल्फ आइटनरी के थ्रू भी जा सकते हो। और रही बात हेलीकॉप्टर की, तो आप अपना समय बचाने के लिए हेलीकॉप्टर के थ्रू भी जा सकते हो, तो आप अपने बजट और सुविधा अनुसार ये यात्रा पूरी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आपका कुल कितना खर्च आएगा। तो पर पर्सन के हिसाब से अगर आप सेल्फ आइटनरी के थ्रू जाते हैं तो लगभग 18 से 20 हज़ार का खर्च आएगा, और अगर आप पैकेज के थ्रू जाते हैं तो पर पर्सन कॉस्ट के लिए डिपेंड करता है यात्रा में आप कुल कितने लोग जा रहे हो। एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप स्विफ्ट गाड़ी डिज़ायर का चुनाव करते हैं और यात्रा के लिए दो लोग हैं तो पर पर्सन कॉस्ट आपको 36 हज़ार पड़ेगा, और अगर वहीं आप स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में ही चार लोग जाते हैं तो पर पर्सन कॉस्ट 23 हज़ार तक पड़ेगा। इसका मतलब आप जितने ज़्यादा लोग गाड़ी में जाते हैं तो आपके 5% कॉस्ट कम हो जाती है। और बात करूँ हेलीकॉप्टर की, तो इसमें आपका कुल 6 दिन का खर्च 1.5 लाख से 2 लाख तक आएगा। पैकेज या हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से भी अपनी बुकिंग भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये बुकिंग फरवरी मंथ से ही स्टार्ट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि यात्रा के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पूरी यात्रा में आप रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठकर अपनी यात्रा शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही रश रहता है, तो अगर समय थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका पूरा दिन भी सेफ हो जाएगा घूमने के लिए। कुछ चीज़ें जो आपको यात्रा के दौरान रखनी है, जैसे कि गर्म कपड़े, अपनी ज़रूरी दवाइयाँ, यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है जिसके लिए रेनकोट, वाटरप्रूफ बैग, ट्रैकिंग स्टिक, ट्रैकिंग के दौरान पानी के बॉटल, ट्रैकिंग के दौरान ड्राई फ्रूट्स भी एनर्जी के लिए आप अपने पास ज़रूर रखें, पावर बैंक, क्योंकि रास्ते में लाइट की बहुत समस्या रहती है। दोस्तों ट्रैकिंग के लिए आप अच्छी क्वालिटी के शूज़ ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बारिश की वजह से फिसलने का डर बना रहता है। आप अपने साथ थोड़ा कैश भी जरूर रखें, क्योंकि वहाँ पर हर जगह ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है और मोबाइल नेटवर्क कम होने की वजह से भी ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों चारधाम की यात्रा के बारे में मैंने हर छोटी बड़ी जानकारी बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो और आपको अपना ट्रिप प्लान करने में हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपकी यात्रा मंगलमय हो। हर हर महादेव।